डीजे का धुन तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं कैसे रोड में यहाँ पर लगा हुआ है। अपना पारसनाथ और यहाँ देख सकते हैं ट्रेन भी लगा हुआ है, तब हम एंट्री करते हैं। लोमिया घाट आ चुके हैं और अब एनएसी का वेट कर रहे हैं। ये देखिए ऋषि, ये आजा 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 आजा। तो गाइस अभी धनबाद स्टेशन उतर के अभी जा रहे हैं हम लोग गोधर जिया जी के पास, उसके बाद हम लोग वहाँ से निकलेंगे कार के थ्रू। छिड़का धाम जा रहा, जा रहा, जा रहा, बहुत भीड़ आज पास 13 जगह है, सब जाएगा ना छिड़का धाम लगा के टंकी टंकी है ना, बंद कर दो हाय कर दो सर। अब यहाँ से निकलते हैं, तिलमच्चो आ चुके हैं यहाँ पर जल उठाएंगे हम लोग, उसके बाद आगे चलेंगे। बोल बम तो यहाँ पर तिलमच्चो फाइनली आ चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं रोटी किनारे भी लगा हुआ है दुकान वगैरह। यहाँ पर गाड़ी देख के रोड पार करें, देख सकते हैं क्या बोले। बोल यहाँ से अंदर जाना है, और बल्बम में जो लिए थे हम लोग वो तो अब घर में है जल, उसमें उसे न्यू लेना पड़ेगा। कते पीस? 10 टके। अच्छा रेट है, ज़्यादा नहीं। हम लोग को वहाँ से ज़्यादा लग गया था ना देवघर। तो यहाँ पर लाइटिंग का भी व्यवस्था है क्योंकि भक्त जन जो है रात में भी यहाँ पर अक्सर आते हैं, है ना। तिलमच्चो नदी का नाम, अच्छा नदी का नाम ही तिलमच्चो है यहाँ पर। जल अभी उठाएंगे और चलेंगे छिड़का धाम के लिए। यहाँ पर देखिए देवघर में जैसा होता वैसे सेम टू सेम उसी तरह प्रोसेस है। हम लोग जल लेके अब निकल चुके हैं, हम लोग भी जा रहे हैं। तो वही कहो बजाएगा तेरे हरी दोबारा वाला मेरेट और मैं जाके फेमस हूँ। ये डीजे जा रहा है, ये भूतनाथ मंदिर है। देखिए चिड़का धाम, बहुत जन पैदल जा रहे हैं। यहाँ
यहाँ पर एक चीज़ नोटिस किए कि जैसे देवघर में कोई सेटअप वेटअप नहीं था या चिड़ियाघर में जाने के लिए, देखिए बहुत जगह सेटअप जा रहा है, बहुत हर एक थोड़ा थोड़ा दूर में सेटअप देखने को मिल रहा है। दीपक जी जी बोले हैं जहाँ हैवी सेटअप रहेगा वहाँ पर डांस करेंगे। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं कैसे रोड में यहाँ पर लगा हुआ है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग अभी पूरा आवाज कर रहे हैं गाड़ी अंदर। डीजे रख, पंकज उनका जगा रहे हैं। तो नहीं तो कोई नहीं है। ठीक है, हमको बस्ती घुस चुके हैं, यहाँ 3-4 किलोमीटर है। जब टेम्पू तो गाइस अब हम लोग पैदल जा रहे हैं यहाँ से छिरका धाम। तो हम लोग कितना किलोमीटर अभी तक चल चुके हैं? कितना? 500 मीटर। 500 मीटर अभी चल चुके हैं। बहुत ज़्यादा चल गया। अब हम लोग गायक भोले बाबा का दर्शन करेंगे। अभी भूख भी लग गया है और पहले जल चढ़ाएंगे, उसके बाद खाएंगे। पहले आज चुके हैं चिरका धाम, देख सकते हैं ऑनलाइन। सुबह हमको नींद आ रहा है इसीलिए ज़्यादा बोल नहीं पा रहा है, सारा थक गया है बहुत, खाना वाना भी नहीं खाया तो लग रहा है कि शरीर में जान नहीं है। क्या सुबह देखिए हम लोग कितना दरबार के सामने आ चुके हैं और यहाँ पीछे देखिए भीड़ की तरफ बढ़ गया। Bye!
बहुत हैवी भीड़ था का। आप लोग भी आए यहाँ पर दर्शन के लिए। वीडियो अच्छा लगे हमारे कमेंट करें और ज़्यादा ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि लोग भी आए यहाँ पर। देखिए इतना हेवी पानी मारा कि देखिए पूरा यहाँ पर गली जो आपका पूरा पानी पानी भर गया। देखिए मेरा लुक और आप वीडियो को एंड करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर भी कीजिएगा और बाकी दोस्तों करण लोग अभी पीछे रखे रास्ता में बाजा बज रहा है और यहाँ पर लंगर बोले तो क्या बोलते हैं भंडारा यहाँ पर हो रहा है। एक भंडारा खाएंगे उसके बाद डांस करेंगे। जय तो गाइस देखिए यहाँ पर सुबह हो चुका है। हम लोग रात भर यहीं पर ट्रैफिक में जाम था जो कि चिड़का धाम का यहाँ गली जो है गांव का वहाँ से हम लोग अभी तक नहीं निकल पाए। यहाँ पर देखिए पूरा जाम हो गया, आदमी लोग निकलने का जगह नहीं है तो हम लोग का गाड़ी कहाँ से निकलेगा। और देख सकते हैं भाई लोग एकदम कूद कूद के जाना पड़ रहा है। यार इतना भीड़ क्या बताएं। मेन बात आज सावन का तीसरा सोमारी भी है और इससे भी बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगा सावन का लास्ट सोमारी में। तो आप लोग आएँ तो आप लोग से अनुरोध है कि गाड़ी वाड़ी ये रूट में ना घुसाएँ, दिक्कत हो सकता है।